बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने ली 200 ग्राम मूंग दाल, उसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया और मैंने उसे अच्छी तरह से पानी निकाल लिया। और एक अदद ली है मैंने कटी हुई प्याज चॉप और हरा धनिया कटा हुआ, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली है मैंने साबत, और 4 से 5 जवे लहसुन के, और हरी मिर्च जो लाल हो जाती है कटी हुई मैंने ली है 4 अदद, 1/4 चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने साबुत जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच लिया है मैंने खाने वाला सोडा। अब हम इसे पहले एक जार में डालकर पीस लेंगे। एक जार में हम डाल लेंगे ये हरी मिर्चें और लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, आधा चम्मच ये साबुत जीरा, और हमने डाल लेना ये दाल हम चमचे से डालेंगे इस तरह, और इसे डालकर अगर पानी की ज़रूरत हो तो हम डालेंगे, नहीं इसे इसी तरह हमने पीस लेना है। ये देखें हमें इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत है, इसमें हम डाल रहे हैं आधी प्याली से भी कम पानी। ये देखें दाल को मैंने पीस लिया है, अब ये मैंने जार धोया है, ये आधी प्याली से भी कम पानी ये भी इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग सोडा, हरी मिर्च कटी हुई, और ये हल्दी पाउडर, अजवाइन और ये कटी हुई प्याज, और डालकर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हम डाल रहे हैं हसबे जायका नमक, आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें। नमक डाला, हरा धनिया भी डाल देंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए रख भी सकते हैं, और रमज़ान शरीफ में सुबह से भी बना के हम फ्रिज में इसे रख सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मूंग दाल पकौड़ों का बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट बाद करेंगे फ्राई। ये देखें मूंग दाल पकौड़े के बैटर को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गया है, अब हम इसे करेंगे फ्राई। ये देखें ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकौड़े डालकर फ्राई कर लेंगे। हम तेल को चेक करते हैं अच्छी तरह गर्म हुआ कि नहीं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालते जाएंगे ये पकोड़े, आपको जितना बड़ा चाहिए अपनी मर्जी के मुताबिक बना लें। ये इसे हम डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें एक तरफ से पकोड़े अच्छी तरह से हो गए, इसे हम पलट देंगे और हम इसे दूसरी तरफ से 1 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। ये देखें दूसरी तरफ से भी पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में और पकौड़े डालेंगे फ्राई करने के लिए, और इसे भी डालकर हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये ऊपर से इतने क्रंची रहते हैं और अंदर से सॉफ्ट, आप लोग इसे रमज़ान शरीफ में ज़रूर बनाएं इफ्तार के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के होते हैं। एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम पलट देंगे, पलट कर दूसरी तरफ भी इसे हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें जो हमने और पकोड़े डाले थे वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे और डालकर हम थोड़े फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के होते हैं पकोड़े।
इसका बैटर बनाकर आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इसे आप चटनी के साथ खाएं, नारियल की केचप के साथ खाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के होते हैं। ये देखें, ये पकौड़े हमने डाले थे वो भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, निकाल कर हम इसे प्लेट में रखेंगे। ओके, इसकी सर्विंग प्लेटिंग करेंगे। ओके, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मूंग दाल के पकोड़े बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।